তো দ্বিতীয় ইনিংস ইনিংসের শুরুতেই এটাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা রঞ্জিত গোপ টিম ক্যাপ্টেন তাকে খুব স্ট্রাইক এন্ডে বিগত ম্যাচের হিরো অফ দ্য ম্যাচ বীরভূম বোলপুর থেকে উঠে আসা বিশালকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এবারে চমৎকার জায়গায় রাখলেন বলটাকে একটু কত লাইন এবং লেন্থটা মিস করলেন কাট করলেন এই কাটটা যদি বডি লাইনে রাখতেন সেক্ষেত্রে দূর থেকে কাটটা করতেন সেটাতে একটা ভালো বল হতে পারত বলতে বলতেই হোয়াইট বলের সিদ্ধান্ত আর ঠিক যে কথা বলছিলাম বিশাল এই সিজনটা অনবদ্য শুরু করেছেন বিশাল আর দুর্গাপুরবাসী প্রত্যেকটা মুহূর্তে ট্যালেন্টকে স্যালুট করতে জানেন শুধুমাত্র বড় নামের পিছনে দৌড়ান না তারা ট্যালেন্টটাকে ভালোবাসেন আর এই ট্যালেন্টকে স্যালুট করতে হবে রিয়াজ আহমেদ আর যারা একদম আমাদের মূল মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে হয়েছেন তারা অনুভব করতে পারবেন রিয়াজ কিন্তু এবারে বিশাল 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 সময়টা পাল্টেছে যুগটা পাল্টেছে ময়দান পাল্টেছে বিদ্যাসাগরের কাপ ময়দান থেকে উড়ে এসে সরাসরি দুর্গাপুরের আরো একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম শারদীয় কাপের মঞ্চে আবার একবার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটাকে শো করছেন সর্বশা খুলে দলীয় রান সংখ্যা 5 প্রথম ওভারে খেলা চলমান এবারেও খেলবার প্রচেষ্টা ফিল্ডসম্যান রয়েছেন ওখানে ডট বল ডট বল ডট বল তানতে হয়ে চল রে আপনি তোহফা দিয়া হ্যাঁ জনাব দিওয়ালি কুছ দিন পহলে গা হ্যাঁ দিওয়ালি কা তোহফা ইস মরতবা বাঁটতে হুয়ে রঞ্জিত গোপ কো তোহফা বসুল হে কেতে হুয়ে ইয়াহ পর রঞ্জিত গোপ তোহফা কবুল হে দিনে কা 5 রান স্পন্সরস এবারে মোতের মোতে ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন সময়টা পাল্টেছে ভাগ্যটা মুভ করেছে ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক দুটি খারাপ বল দুটি বল থেকে বাউন্ডারি এসটির মধ্যে চাপ বাড়ছে প্রেসার বাড়ছে জেএমএস বয়েজ তারা কিন্তু ম্যাচটাকে ধীরে ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছেন রঞ্জিত গোপ ইজ অন ফায়ার চারটি রান পরিসমাপ্তি এবং সর্বশেষ করলে একটা বড় ওভার দু ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 9-9 করে 30 গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাল 2.0
पहले ओवर में आपने जिस विशाल को देखा था ये वो नहीं है। चेक पे विशाल, यहाँ पे ये अच्छा गेंद है, फॉलो कर रहे हैं बैटर को। एक और बार डॉट डिलीवरी, डॉट बॉल, सो यहाँ पे बिल्ली बस स्वीप, ये अच्छा फील्डिंग सेटअप है और इसी के साथ शरीर को फेंकते हुए हर एक रन का यहाँ से महत्व जानते हैं। मैच बड़ा है, मंच बड़ा है, सरपंच कौन बनेगा, किसका बल्ला यहाँ से बोलेगा और किसके नाम ये चमचमाता हुआ सुनहरा ट्रॉफी जाएगा। चेक विशाल द मैन फ्रॉम बोलपुर। ओवर का अगला गेंद, चलिए यहां से देखना पड़ेगा। फाइनली बड़ी मछली जाल में आया है और इसी के साथ सेट बैटर विशाल आउट होकर पवेलियन में वापस। स्टेज में वेलकम करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रो। अच्छा गेंद, स्ट्राइक देते हुए गेंद को स्किट करवाते हुए यहां सीधा विकेट कीपर के हाथ में सुन सुनाती हुई गेंद यहां पर क्रॉस बल्ले के साथ अपना मोमेंटम अपना मेंटेलिटी को चेंज किया है और सीधा सीमा रेखा पार भेजा है। एक चार रन, तो आखिरी 12 गेंद 17 रन। स्ट्राइक पे रंजी को पब्लू, अच्छा लाइन स्क्रो प्लीज ऑफ कर सर्फी। चलिए आखिरी 12 पे 17, पहला ही गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए रंजीत को 11 पे 17। क्या इस खेल को ज्यादा डीप लेना चाह पाएंगे या फिर रंजीत को फिनिशिंग टच की ओर देख रहे हैं। 11 पे 17 बोली माफ अभिषेक, ये ओवर अपने नाम करना चाहेंगे, क्या इस मैच में कोई टर्निंग पॉइंट बाकी है। ये अच्छा गेंद है रंजीत को बैक फुट पे जाते हुए यहाँ पर बबलू कैसे देख रहे हैं इस मैच को। पिछला ओवर 21 रन मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इस टीम के लिए। आखिरी 10 पे 17, 17 मतलब हमेशा हमेशा के लिए खतरा, देखना पड़ेगा खतरा किसकी ओर मोड़ लेगा। चेक पे बबलू और ये शॉट देखिए, लेकिन पीछे ये फील्डिंग एफर्ट रन आउट का चांस, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, किस ओर फेंकू कहां ना फेंकू ये सोच रहे थे। इतना सा चले यहाँ पे देखना पड़ेगा, अपील मांग करते हुए यहाँ पर बुबे बैनर्जी इंटरेस्टेड है क्या, नॉट आउट का डिसीजन, इंटरेस्टेड नहीं है। कुलदीपर इस मरतबा टॉट डिलीवरी, आखिरी 8 पे 16 और ये दो गेंद बहुत ज्यादा वाइटल है अगर जेएमएस बॉयज के दृष्टिकोण से देखें तो। ये दो गेंद मैच के मोमेंटम को शिफ्ट कर सकता है। 8 पे 16 स्ट्राइक पे इंद्रो, बोलिंग पे अभिषेक, चलिए अभिषेक इसी के साथ सेट बैटर बड़े खिलाड़ी इंद्रो को अपने जाल में फंसाया है। जानते थे किस मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ इंद्रो बैक टू पवेलियन। लाल मिट्टी का देश शर्मा से उठकर आने वाला ये खिलाड़ी सुशांत को स्ट्राइक पर इनके ऊपर नजर आएगा। आखिरी गेंद ये ओवर का 7 पे 16, चलिए इसी के साथ रिवर्स स्वीप सीधा बेसमैन के हाथ में बिंदी गेंद डॉट डिलीवरी। तो आखिरी ओवर 6 गेंद रन चाहिए 16 नजर रहेगा रंजीत को बबलू के ऊपर। बड़े मैच के प्रेशर को रंजीत गोप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैदान बदलता है लेकिन रंजीत गोप क्या यहाँ से पुराने वर्षन को अपने आप में वापस ला पाएंगे। चलिए पहला गेंद पहले ही गेंद से रंजीत गोप ने कहा है जनाब समय बदला है, मैदान बदला है, युग बदला है, लेकिन रंजीत गोप ये अपडेट होकर वापस आए हैं। मिसाल बबलू बल्लेबाज बबलू स्ट्राइक पर इस मरतबा साइड को चेंज करते हुए क्या यहां से एंगल क्रिएट कर पाएंगे, जहां पे क्या आएगा लेट्स सी। छोड़ दिया है मिसअंडरस्टैंडिंग, दिवाली का तोहफा है ये, रंजीत गोप को दिवाली का तोहफा पसंद है। 5 रन सीधा स्कोर बुक आगे जाएंगे या फिर जेम्स बॉयज इस टीम के लिए या युवा प्रतिभा कमाल करेगा लोकनाथ पूरी मार्क पे। तो 5-7 स्ट्राइक पे बबलू, यहां पे एक और बार वंस मोर नो प्लस 4। ये प्रेशर है, ये दबाव है, दबाव में कोई दब जाता है तो कोई इतिहास के पन्नों पर छप जाता है। यहां पे दबाव में दबते हुए ये खिलाड़ी लोकनाथ।
के लिए। थैंक यू डीजे, सिर्फ यहां से दो रन की जरूरत है स्ट्राइक पे बबलू। और इसी के साथ बबलू ने चौका लगाया है। समय उसे क्या हराएगा जो खुद समय के साथ लड़ा है। एक मैच क्या उसे हराएगा जो बंगाल को अपने साथ में ले